गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उत्तराखंड से आई थिंक मेरे ख्याल से सेकंड ब्लॉग होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं काफल तोड़ने, तो आप भी चलिए हमारे साथ, ठीक है? तो काफल तोड़ने चाचा और हम सब जा रहे हैं, और जैसा जैसा सीन होगा और आपको दिखाऊंगा काफल कैसे होते हैं उत्तराखंड में, ठीक है? तो चलते गाइज। सो गाइज ट्राईपॉड ले आए हम, देख लो ये रहा हमारे ट्राईपॉड, जिससे कि हम बहुत अच्छे अच्छे टाइम लैप्स लेंगे और काफल तोड़ेंगे। तो उसमें हमें हेल्प करेगा ये, नीचे रख के हम वीडियो शूट कर लेंगे, आपको दिखाएंगे कैसे पेड़ में चढ़ के काफल तोड़ रहे हैं हम। काफल तो आई थिंक जो उत्तराखंड के नहीं है उन्हें पता नहीं होगा क्या होता है, दिखाएंगे हम आपको सभी को क्या होता है, कैसा होता है, टेस्ट पता नहीं चल पाएगा। कभी विजिट करना तो खा सकते हो, वैसे मार्केट में मिलता नहीं है, यहीं की मार्केट्स में मिलेगा, वहाँ तो अवेलेबल नहीं होता है, दिल्ली या फिर आप किसी अदर सिटी से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है? और एक बार व्यू देख लो, हम ऊपर जा रहे हैं उधर, और इधर नीचे का व्यू देख लो सारा। कुछ दिन में जो है नहाने का व्लॉग भी आएगा, नदी में जाएंगे, पहाड़ों से जो बहती हुई आती है, ठीक है? और सांस फूल रही है, आदत नहीं है ना यहाँ की इसलिए, तो अभी बहुत ऊपर जाना है हमको, ठीक है? और आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे आप और वीडियो को लाइक कर देंगे, अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ऐसे व्यूज़ का पूरा प्रॉफिट लाभ उठाना। आई थिंक इतना मज़ा तो नहीं आएगा जितना आके यहाँ फील होता है, ठीक है ना? बट देख के कुछ तो मिलेगा इन्जॉयमेंट, कुछ चीज़, ठीक है? सो बहुत ऊपर जाना है अभी हमको, हम कल भी गए थे, सोचा था कि शूट कर लूँ बट नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ किसी की डेथ हो गई थी गांव में, ठीक है? और अभी हम जा रहे हैं फुल ऑन मस्ती, बस दो ही बंदे हम, बाकी कोई आया ही नहीं, ये बाकी कोई आया ही नहीं। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक दे दूँगा, बाकी हो सके तो यहाँ की कुछ खाली बिना विदाउट ब्लर DSLR वाली नहीं वैसी फ़ोटोज़ अपलोड कर चेकआउट कर लेना, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। फ़िलहाल जब तक उत्तराखंड के पूरे व्लॉग्स आते रहेंगे और ऐसी सपोर्ट करते रहना गाइज, ठीक है? तो दिखाता हूँ अभी ऊपर काफल के पेड़, तो आप सभी को दिखा देता हूँ काफल के पेड़ स्टार्ट हो गए, ये पीछे ये भी है, इसमें थोड़े कम हुए हैं ये इस वाले पेड़ पे, बाकी इधर भी है, ठीक है? तो ये आपने देखा हो ज़्यादातर मूवियों में देखा होंगे, ये पेड़, ये वाले, ये जो पेड़ हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। एक यहाँ पर भी है जस्ट मेरे घर पे, ये रहा, ये पेड़ आपने मूवीज़ में बहुत देखे होंगे। और काफल दिखाता हूँ आपको कैसे होते हैं काफल, पत्ती तोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है ना? कभी तो अभी इसमें से कुछ कच्चे हैं, कुछ वैसे हैं, ऊपर को हो रहे होंगे, और हाथ में आपको दिखाता हूँ तोड़, बहुत ऊपर हो रखे यार ये होते काफल, और ये सारा पूरा का पूरा जंगल है। हम बहुत नीचे से आए हुए हैं, उधर से डाउन से, और अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, तो चलते हैं, आप सभी को दिखाता हूँ। तो ऐसे रास्ते होते हैं पतले पतले, इनमें से निकलना पड़ता है ऐसे, वो तो बहुत ही टेस्टी हो रहे हैं जो कि काफल है। बाकी अगर आप उत्तराखंड विजिट करते हो अल्मोड़ा साइड या कोई गढ़वाल रीजन साइड में, अल्मोड़ा कुमाऊँ रीजन में आता है, अब देख लो गाइस ऐसे चढ़ना पड़ रहा है रास्ता, तो इधर से ऐसा हो रखा है, इधर से चढ़ रहा हूँ मैं, कहीं गिरूँ ना, फोन है हाथ में, पर से आदत तो है बट देखो चाचा उधर काफल खाते हुए। बाकी ये पेड़ भी है, यहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे लाल लाल से कुछ काफल, ठीक है? यहाँ से जो है सबसे ऊपर से इतना बढ़िया व्यू आता है,
यहाँ की भाषा में बोला जाए तो भयंकर, वो भयंकर व्यू आता है। ठीक है, वो उधर नहाने के लिए है नीचे की साइड में। ठीक है, और आई होप आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर मैं पर फिंगर कर रहा हूँ, ये बगीचा है हम लोगों का नीचे। अभी फ़िलहाल जंगल में आए हुए हैं, ट्राइपॉड इसलिए लेके आए कि अच्छे टाइम लैप्स आ सके, और जब हम काफल खा रहे होंगे तो वीडियो बना सके। और ये दिखाता हूँ, ये रहे पूरे पेड़ में काफल हो रखे। ठीक है, तो ये रहा पेड़, इसमें भी चढ़ सकते हैं हम। बाकी हम अभी इधर से चल रहे हैं। कमल नहीं आया ना, कमल को बुला लेते यार। सोया है वो अभी तक। और यहीं पास में भगवान जी का मंदिर भी है ऊपर की तरफ को इधर। और इधर काफल जो है वो तो रहे हैं, बट अभी कच्चे हैं थोड़े ऊपर। सो जो कि मैं इस फोन को अपने ट्राइपॉड में असेंबल कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको कुछ व्यू दिखाना है तगड़ा सा। सो गाइज, शॉट हमने जो है ले लिया है, थोड़ा सा वाइड एंगल इसलिए देख दे होगा आपको कि ट्राइपॉड पकड़ रखा है आपका, तो इससे जो व्यू आ रहा है ना वो बहुत ही बेहतरीन व्यू आ रहा है। और पीछे साइड में पूरा जंगल है, अब बहुत डाउन है ये, जो साइड है बहुत नीचे की तरफ है, और सामने की तरफ ये जो आपको दिख रहा होगा ये पास। मेरी एक इंस्टाग्राम पर फ़ोटो भी है जो कि मैंने जस्ट यहाँ पर बैठ के ली थी, और पीछे के एंगल में वो आपको माउंटेन दिख रहा था। और ये जो एरिया है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ एक बार बैक कैमरे से। ओके, जैसा कि ये देख रहे हैं आप व्यू, शांति मिलती है ना इस जगह पे आके, सबसे ज़्यादा शांति इसी एरिया में। और सामने कुछ गांव है उधर उधर साइड में, और यहाँ से हम पता कहाँ से आए हैं, बिल्कुल नीचे से आता हूँ आपको। उधर उधर नीचे से आए, बिल्कुल से नीचे से, और उधर जाएंगे हम एक दिन नहाने नीचे। तो उसका ब्लॉग भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और अभी फ़िलहाल इस पेड़ काफल के पेड़ में चाचा चढ़े हुए हैं ऊपर, और पर काफल तोड़ने के लिए, और मैं भी पॉली लेके आया हूँ, काफल तोड़ लेते हैं, देन उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अब जब तक गुलाब देखते रहिए।
गाली नहीं दे सकता ना वीडियो में, नहीं तो आवाजें भी सुनाई देती आपको। और अब दिखाऊं थोड़ा क्लोज व्यू काफल का। ये रे काफल, इनमें से कुछ कुछ हुए होंगे। हाँ यार, सांसें फूल जाती है चढ़ाई करते करते, खासकर जिसको आदत ना हो। ज्यादा मत फुलाकर, आजकल ऑक्सीजन खत्म हो रही है। क्या कह रहा, ऑक्सीजन खत्म हो रही? ये यहाँ तो जिंदा रह ही लेंगे यार, ऑक्सीजन की क्या। इसमें मीठे हो रहे यार काफल। यार अब तो धूप आने लगी, चलो किसी दिन नहाने। चाचा आप गए थे वहाँ, वो हमारे दोस्त का कहना। हाँ ये तेरी मम्मी ने फोन किया है, मेरे को मना कर देगा। आपसे बोला हम बताएंगे, मुझे ऐसे नहीं हो पा रहा। तेरी मम्मी ने फिर कॉल किया है, आपसे तो मेरी मम्मी से आ रहा। अब यार बहुत ही मजा आता है, रोज नहाने जाता। कहाँ जाता है? इनका एक फायदा भी है गाइस, फायदा ये है जब हमारा पेट होता है तब बढ़िया रहता है। जैसे कीड़े हो जाते हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है वगैरह, इन चीज़ों से नहीं होती है। और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी भी है, काफल पाको मैं नहीं खाया करके। आई होप जो उत्तराखंड के उनने सुनी होगी, और बहुत ऐसे होंगे जिनने नहीं सुनी होगी, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं ये शरीर के लिए। जैसे कि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है पेट से रिलेटेड, अगर इन्हें खाते हैं तो एक तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बढ़िया होता है। उनको ऑयल के साथ खाना चाहिए और पानी पी लेना चाहिए। और ये दीपू हंस रहा है ऊपर, रामीश अच्छे होते हैं बोल रहा हूँ मैं, गधे अच्छे नहीं होते। कब कहा मैंने अच्छे होते भाई? इसका पता है, किताब पढ़ी थी मैंने, उसमें था इसका जिक्र। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, डॉक्टर में भी पहाड़ में होता है करके, क्यों पता तो सबको है। पुलम के बारे में भी बहुत लोगों को पता है, पता है बाहर को। हमारे इधर पता कैसे आते हैं पुलम, जैसे सेब नहीं होते सेब, उस टाइप से यार। इनको एक छोटा सा बॉक्स रहता है, उस तरीके से रखते हैं इनको। हमारे इधर है फेस 2 में मंडी है, उस साइड में मतलब क्या कहते हैं, इनको पैक करके उस तरीके से रखा जाता है। कि मैंने एक दिन देखे, मैंने सोचा कुछ और है, फिर यार पुलम पुलम करके बोल रहा था, मुस्लिम ने लगाई थी स्टॉल। मैंने पूछा सर ये मतलब अंकल ये कहाँ से आएगा मतलब, तो बोला बेटा ये उत्तराखंड का फल होता है। मैं समझ गया ये पुलम ही है भाई, पहले मुझे लग रहा था कुछ और हो सकता है करके, उसके बाद कन्फर्म नहीं था। व्यू दिखाता हूँ आपको, व्यू देखो, काफल तो खा लिया हम सब ने। बाकी ये रहा वो पेड़ जो आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा, चीड़ का पेड़ कहते हैं इसको, उसमें से लीज भी निकलता है। कई
इसमें तो नहीं कर रखा होगा, प्राइवेट है ना, क्योंकि ये गवर्नमेंट वाले जो जंगल स्टार्ट होते हैं उसमें इसको छिलके इस पर एक कोन लगा देते हैं, जहाँ से कंटर भी लगा देते हैं जिसमें लिस भरते हैं, दिखता है वो, आई थिंक उसका कुछ बनता होगा। और ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए फॉलो कर लेना, सॉरी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, फॉलो तो करना ही करना, नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको अच्छा लगता है ब्लॉग्स देखना, और ख़ास करके ऐसे एडवेंचर ब्लॉग्स। ओके, और इधर भी काफल, काफल के कितने पेड़ है क्या बताऊँ, इधर हर जगह नहीं होते ये इतने पेड़। अब जैसा कि आपको बताऊँ दिखाऊँ मैं, वो उधर पे जो जंगल है, वो जंगल मेरे पीछे वो रहा, तो इस जंगल में ज़्यादातर चीड़ के पेड़ है, ठीक है, है क्या हुआ, चल लटक पड़ा, तो जो कि है इधर चीड़ के पेड़ है। अब इन पेड़ों में तो काफल होंगे नहीं, और इसकी टहनी तो नीचे लगाई हुई है, देखो देख सकते हो इधर पर, और इस पे वो भी होती है, अभी जो मैंने आपको दिखाई थी ये होती है इस टाइप की, और इसको फोड़ते हैं ना, इसके अंदर से कुछ निकलता है, उसको खाते भी हैं लोग, इससे हम खेलते थे बचपन में, तो उस टाइप के जंगल्स में नहीं होता ये सब। ये बांज के पेड़ हैं, बांज के पेड़ जहाँ पर होते हैं ज़्यादातर, और काफल वहीं पर भी होते हैं ज़्यादातर, और देवदार वाले इलाके में जो पेड़ होते हैं काफल के वो कम ही होते हैं। और सबसे पहले जो काफल हैं वो इसी एरिया के पड़ते हैं हमारे, क्योंकि जो सनलाइट है वो पहले साइड वाली जगह पर पड़ती है डेली सबसे ज़्यादा, क्योंकि सनलाइट पड़ती है तो सबसे ज़्यादा काफल है जो इसी साइड के पड़ते हैं। सो दिखाता हूँ आपको कितने काफल हमने कर लिया, ठीक है, कितने कलेक्ट कर लिया अभी तक हमने, कितने मतलब तोड़ लिए, एक एक दाना करके हमने जो है अपनी पॉली है उसको भरने की कोशिश करी, बस ना भरेगी नहीं, हम पर एक्सपीरियंस नहीं है ना हमारे पास, गाँव के लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। सो दिखाता हूँ आपको, देख लो गाइस कितने सारे काफल हमने कर लिए, देखो पास में आ जाओ थोड़ा सा, ये इतने काफल हमने कलेक्ट कर लिए, छोटे छोटे दाने होते हैं ऐसे, और तो बड़ा रिस्की सा लग रहा है यार, छोटे ना पकड़े भी जा रहे हैं, और इस तरह तो कम हुआ है, अभी बाहर से दिखाता हूँ आपको थोड़ा, आईफोन आईफोन है क्या है, दिखा आईफोन है, अरे दिखाना गरीब वाला आईफोन, इधर नहीं है वो उधर है, तो अपना आईफोन दिखा दीपू, चाचा तुमने इसमें पोज दे दी है, पोज दे दी, अरे नहीं यार पोज नहीं दी, ये पोज को डिलीट कर रहे हैं भाई, पोज डिलीट हो जाएगी, तो देखो कैसे रास्ते से आ रहा, देखता हुआ नीचे, ओ, 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 ओ। ये देखो ये भी गया, इज ऑल्सो कमिंग, दोनों नीचे चले गए, मैं रह गया ऊपर। सो अब मैं भी जाता हूँ नीचे, ये लोग तो चले गए नीचे, मैं जाता हूँ दूसरे रास्ते से, बिकॉज मेरे बस की नहीं है, एक हाथ में कैमरा, अकेले होता तो चले जाता मैं, इसमें कोई टेंशन नहीं थी, ट्राइपॉड है तो सही हाथ में, यहाँ तो फिसलने का ज्यादा डर रहता है, ओहो शिट, अच्छी है, अब हम आ गए नीचे की साइड, हम आए घूम के, वो आए थे डायरेक्टली, भागो
चाचा तोड़ रहे काफल। अब हमारी बारी, हमें भी लेके जाना है क्योंकि घर के लिए, हम भी तोड़ लेते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में। सो गाइज, ये टेंपल है पास का ही, ऊपर की तरफ को। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड करते हैं इस ब्लॉग को, और नेक्स्ट ब्लॉग जो होने वाला है वो कहीं नहाने जाएंगे हम नदी पर, तो उस पर होने वाला है, ठीक है। और एक फ़ोटो देखिए, अगर आप चेक करेंगे मेरे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने एक फ़ोटो है यहीं पे शूट करी थी, इन्हीं पत्थरों पे बैठ के, बहुत ही अच्छा व्यू आया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।